के पास आए हुए हैं जहाँ पे अंडरपास बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का और रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड पार्ट तो आगे है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। ये राजा पुल के पास जो अंडरपास है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये अंडरपास है और आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि इस पुल पर पानी चढ़ गया था, पानी क्रॉस करा था इसके ऊपर से। और अभी फ़िलहाल जो रोड का स्थिति है, मिट्टी भराया काम कहीं पे हुआ है कहीं पे नहीं हुआ है और आगे मिट्टी भरा हुआ है और रोलर भी चल रहा है कहीं कहीं पे। और अभी फ़िलहाल ये जो खाली हिस्सा है वो बच्चों के खेलने का मैदान बन गया है, काफ़ी चौड़ा जगह है तो। और इधर भी बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और अंडरपास आप देख ही रहे हैं कि एक तरह से कम्प्लीट ही है। फिर यहाँ पे उसके नीचे कंक्रीट किया गया है ज़मीन पे, अब वहाँ पे क्या होगा वो तो पता नहीं। उधर आप देख सकते हैं कि उधर बालू भी रखा हुआ है, रोलर भी है और बच्चे भी खेल रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं इसका गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट ऑफिस है, नवयुगा का जो गंगा एक्सप्रेस बना रहा है उसका प्रोजेक्ट ऑफिस है। चलिए अब आगे चलते हैं। काम कई चरणों में चल रहा है। एक तरफ पे सेगमेंट लॉन्च करने का काम, तो पियर बनाने का काम, पियर कैप बनाने का काम, कई चरणों में काम चल रहा है। मिट्टी पर भरने का काम, तो कहीं पे पत्थर लगाने का काम, तो कहीं पे कुछ, तो कहीं पे कुछ। एलसीटी घाट में जो अंडरपास बना है उसके अंदर अभी हम हैं और ये अंडरपास दीपावली में जब आया था तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब ये बन करके तैयार है, ये कंप्लीट है अंडरपास। और यहाँ पे कई काम हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ पर रैंप भी होगा जो कनेक्ट होगा पुराने वाले रास्ते से। तो अपडेट यही है कि काम गंगा एक्सप्रेसवे का कई चरणों में चल रहा है। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के गंगा एक्सप्रेसवे का डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कई वीडियो बना करके रख छोड़े हैं और समय समय पर हम अपडेट देते रहते हैं बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में। अगर आपको मेरे, हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार, जय भारत।